निशा की अगर हम बात करें, निशा सबसे पहला काम जब उनके साथ चोरी होती है, सब्जी वाला घर आता है, उनका फोन लेकर चले जाता है, तो निशा सबसे पहला जो काम करेंगी, शी विल इन्फॉर्म पुलिस। वो क्या काम करेंगी? शी विल इन्फॉर्म पुलिस। अब ये इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है सेक्शन 154। ये इंफॉर्मेशन आप ओरल में भी दे सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन ओरल और दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन राइटिंग एज वेल। मतलब अगर वो चाहे तो फोन पर भी 100 नंबर पे कॉल कर भी देख सकती है इंफॉर्मेशन, और चाहे तो लिखित में जाके इंफॉर्मेशन पुलिस थाने में भी दी जा सकती है। जैसे इंफॉर्मेशन पुलिस वाले के पास आती है, अब हम यहां पे थोड़ा सा डेमो से थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे, थोड़ा इसका डिटेल्ड पार्ट पे भी चलेंगे। जब पुलिस वाले के पास पहली बार इंफॉर्मेशन आती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पुलिस वाले के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो पुलिस वाले के पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पुलिस वाला भी अपने दिमाग में यही सोचता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पहला क्वेश्चन पुलिस वाला भी अपने दिमाग में यही करेगा। जैसे उसको पता लगा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एक अच्छा पुलिस वाला जो होगा, जो ड्यूटी बाउंड पुलिस वाला होगा, वो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आएगी निशा से, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड का मेरा मतलब ये होता है कि अगर मान लो निशा ने ओरली बताया कि एक सब्जी वाला मेरे घर पे आया था और फोन लेकर चला गया, तो वो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेगा, कहीं लिखेगा। और सबसे पहली जगह जो पुलिस वाला लिखता है उसे कहते हैं हम स्टेशन डायरी। सबसे पहली जगह जहां वो लिखता है उसे कहते हैं हम स्टेशन डायरी। ये एक कॉमन रजिस्टर होता है, इसको नोट कर लेना कहीं पर, स्टेशन डायरी एक कॉमन रजिस्टर होता है। हर इंफॉर्मेशन जो थाने में आएगी वो स्टेशन डायरी में जाएगी। इससे अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, सिर्फ उसने इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड को अगर हम हिंदी में बोले, दस्तावेज बनाया, अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज बीन क्रिएटेड दैट यू वेंट टू द पुलिस स्टेशन, दैट्स इट, क्लियर। बट नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग इन द स्टेशन डायरी, उसने रिकॉर्ड कर लिया पुलिस वाले ने, अब उसके पास चॉइस है कि वो चाहे तो इस रिकॉर्ड को कहां रिकॉर्ड करेगा, कहां लेके जाएगा, FIR रजिस्टर। और अगर वो कॉमन, अच्छा एक चीज रूल याद रखना, यही एक सेम इंफॉर्मेशन दो जगह रिकॉर्ड होती है। सेम इंफॉर्मेशन FIR रजिस्टर में भी मिलेगी और स्टेशन डायरी में भी मिलेगी। तो जैसे ही वो FIR रजिस्टर में नोट करेगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसे कहते हैं हम FIR का नंबर।